करने के लिए एक टॉपिक दिया गया कि कैसे जो है अपना कैरियर जो है मेडिकल में बनाना है। तो सबसे पहले तो ये है कि कितने लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं कि जो मेडिकल में अपना कैरियर बनाने की सोचते हैं, जरा हाथ खड़ा करें। अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर डिटेल में जाके बताने की वैल्यू भी बनती है उसकी। काफी कम बच्चे लग रहे हैं जो है। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है, और कितने लोग ऐसे हैं जो के ग्रेजुएट हो चुके हैं। बीएससी कितने लोगों ने किया है, बीए। अच्छा, साइंस साइड के स्टूडेंट हाथ खड़ा करते हैं, जो साइंस से जिन्होंने हाई स्कूल किया हो या फिर इंटर किया हो। काफी कम लोग हैं। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो एट्थ क्लास पास हो चुके हैं, जो अभी आठवां क्लास पास किए हैं, नाइन्थ या टेंथ में हैं। और इलेवेंथ वाले कौन से हैं, इलेवेंथ में कितने हैं? अच्छा, तो बेसिकली जो है, जो सबसे जरूरी बात यह है कि मेडिकल में फील्ड अगर हम कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत जो होती है हमारी वो नवे क्लास से होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है कि हमने इंटरमीडिएट पास किया, अब हम सोचे कि अब हमें डॉक्टर बन जाए, या फिर जिसमें जो है सर्जन, फिजिशियन या दीगर बहुत सी ऐसी जो है उसमें ब्रांचेस हैं। तो ये तैयारी हमारी जो है नाइन्थ क्लास से होनी चाहिए। ठीक है हजरत, नवे क्लास से। जैसे ही हम नवे क्लास में एडमिशन लेते हैं तो हमारे डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास 4 साल होते हैं। ये बात हमें नहीं समझ में आई थी, बहुत लेट समझ में आई हमें, लेकिन फिर भी खुदा का करम ये रहा कि अल्लाह तबारक तआला के रहम करम से, चूँकि पढ़ने में और बच्चों से थोड़े बेहतर थे, तो लेट समझने के बाद भी अल्लाह तबारक तआला ने उस नेमत से नवाजा हमें। उस वक्त जो है कोई ऐसा बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला भी नहीं था, कोई मिला तो उससे मिल लिए और उससे मुलाकात करके देख के जो है अपना डिसीजन ले लिया। तो कहने का मतलब मेरा ये है सीधा सीधा कि जैसे ही आप नाइन्थ क्लास में आते हैं तो आप ये माइंड मेकअप कर लें कि आपको जो है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, या फिर सिंपल खाली ग्रेजुएट करके जो है अपने पास डिग्री रखनी है, बस दिखाना है कि भाई हाँ मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। ठीक है, तो पढ़ा लिखा इंसान कहना और फिर जो है आगे चल के जो है अपने आप को किसी पोस्ट पे जाना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस पीसीएस बनना, वो दोनों में बहुत फर्क है। और एक बात जो है बिल्कुल मन में बिठा कर रख लें कि अगर आप चाहते हैं किसी पोस्ट पे बनना, किसी जो है अच्छी जगह पहुंचना, तो आपको एक कंपटीशन तो कम से कम क्वालिफाई करना पड़ेगा, कम से कम एक कंपटीशन, एक कंपटीशन की तैयारी। और उस कंपटीशन का मतलब होता है, कंपटीशन वर्ड ही है कि कंपटीशन यानी दूसरे से कम्पीट करना, यानी कि दूसरे से मुकाबला करना और अपने आप को उससे बेहतर साबित करना कि मैं बेहतर तो हूं लेकिन मैं उससे भी बेहतर हूं, बेहतर से भी बेहतर हूं। तो बेहतर से बेहतर बनने के लिए क्या करना है हमें, अगर मेरा साथी जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो मुझे 3 क्वेश्चन सॉल्व करने की कुव्वत रखनी है, अगर वो 3 कर लेता है तो मुझे 4 करने की कुव्वत रखनी है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि यहाँ पे हसद नहीं करनी किसी से, किसी से हसद नहीं करनी है। अब होता क्या है, लोग कंपटीशन के चक्कर में हसद करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके साथ धोखाधड़ी, ठीक है, झूठ बोलना। ठीक है, कोई पूछे आपसे कितने घंटे पढ़ाई हो रही है, अरे यार हम तो पढ़ते ही नहीं है यार। ठीक है, तो ये जो सिंपल छोटे मोटे जो झूठ होते हैं ना, इनसे ही बचना चाहिए। कहें ठीक है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अपनी कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ लेता हूँ, ठीक ठीक पढ़ लेता हूँ। अगर आप उसको बताना नहीं चाहते हो कि मैं कितने घंटे पढ़ लेता हूँ, तो उसका दरमियानी उसका आंसर ये है कि हाँ ठीक ठीक पढ़ लेता हूँ, मैं जितना वक्त मिलता है मैं पढ़ लेता हूँ। आप अपने कंपटीशन को किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहते तो कम से कम एक दरमियानी आंसर दे दें, लेकिन झूठ ना बोलें और गुमराह ना करें। कि अगर मान लीजिए किसी ने ये कहा कि भाई जो है मतलब मुझे फलाने जगह जाना, तो तुम मुझसे ये मत कहो कि अरे नहीं वहां मत जाना, वहां तो बहुत बेकार, पता चला आप सभी वहीं बैठे हो। ठीक है, तो हालांकि सबके दिलों के राज जानने वाला तो बेशक अल्लाह है। ठीक है,
आप अगर जो है झूठ बोलेंगे, मक्कारी करेंगे तो और उसका रिजल्ट भी मिलता है, ठीक है, दुनिया और आखिरत दोनों मिलता है अगर आप किसी के साथ। तो अल्लाह ताला ने तो ये कहा है कि आप अच्छा करें, किसी के साथ जो है धोखाधड़ी ना करें, सच बोलें। तो अब यहाँ पे एक सच बोलने की चीज होती है कि हम अपने साथ भी सच बोलें, अपने दिल से भी सच बोलें कि अगर मुझे पढ़ाई करने की जिम्मेदारी दी गई है तो क्या मैं सच्चे दिल से पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ कि अगर मैं 9th क्लास में आऊँ और मुझे इतना पढ़ना चाहिए तो क्या मैं इतना पढ़ता हूँ। अगर मैं इतना पढ़ता हूँ तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगा, और अगर मैं इतना नहीं पढ़ता हूँ और उसके बाद ही मैं सोचूं कि मैं फेल हो गया तो फिर तो तुम्हारा खुद का फॉल्ट है, आपने उसके लिए अटेम्प्ट ही नहीं करा, आपने उसकी तैयारी ही नहीं करी इतनी। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो लेसन है वो ये है कि आपको अपना फुल एफर्ट देना है। सारे बच्चों को मैं ये कहूँगा कि आपका जितना भी जो है आपके अंदर दिमाग है, कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, जीनियस होते हैं जिन्हें कहते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे थोड़े कम पढ़ने लिखने कम वाले होते हैं, अच्छा पेरेंट्स के लिए जो है तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी जो है बच्चों की है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों को अपने जो है ध्यान दें कि मेरा बच्चा जो है क्या पढ़ रहा है, और अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको नेगेटिव वे में ना समझाएं बल्कि उसको पॉजिटिव वे में समझाएं। कि जैसे मान लिए सपोज करिए उसका एग्जाम हुआ और उसने अपना रिजल्ट शो करा, मान लिए उसके आए 10 में से आए उसके 7 नंबर, और एक पड़ोस में एक बच्चा रहता है उसके आए 10 में से 8 नंबर, तो आप यहाँ पे ये कंपटीशन ना करें कि अरे तेरे तो नंबर 7 ही आए उसके देखो 8 आए तू तो बिल्कुल निकम्मा है, ये नहीं कहना है कभी बच्चे को अपने, बल्कि उसको ये कहना है कि बेटा ठीक है तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं और अब तुम और अच्छे से पढ़ाई करो तो हम तुम्हें जो है अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो हम तुम्हें ये चीज़ दे देंगे, मतलब कोई एक लालच दें, लालच ऐसा दें जो कि बेहतर हो। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि मतलब उसके 9th में नंबर अच्छे आए तो मैं आपको साइकिल दिला दूंगा ताकि आप कोचिंग साइकिल से अच्छे से जाएं, ठीक है, इस तरह के इनामात दें, ठीक है, कि मैं तुम्हें एक अच्छी ड्रेस बना के दे दूंगा, ठीक है, इस तरह की चीजें अगर पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे के अंदर क्या होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, एक कहना चाहिए सही डायरेक्शन बच्चा जाएगा। और अगर वो उसके कम नंबर आए और आपने उसकी पिटाई लगाई उसको आप, तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे डिप्रेशन चला जाएगा बच्चा। तो बच्चे के पेरेंट्स के लिए ये जिम्मेदारी है कि अगर बच्चा जो है कम पढ़ रहा है तो उसको देखें कि वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इसको कहते हैं पेरेंटिंग। एक जो पेरेंटिंग होती है ना, पेरेंटिंग का मतलब होता है कि आपका बच्चा जो है धीरे धीरे कैसे ग्रो कर रहा है वो आपको देखना है, कहाँ कमी है। एक कुम्हार जो होता है ना वो घड़ा बनाता है तो वो क्या करता है, बाहर से मतलब अंदर से ठोकता है और बाहर से हाथ से लाता है, दो हाथ लगाता है वो, ठीक है, तब वो सेफ में आता है। तो उसी तरीके से जो है माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है। और बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी पढ़ें ईमानदारी से पढ़ें। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ क्योंकि जो है ये मैंने जो है एक बैकग्राउंड बनाई थी। तो मेरा टॉपिक ये था कि भाई मेडिकल में जो है करियर कैसे बनाएं। तो मैंने जो बताया कि 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, ठीक है, तो आप साइंस साइड चूज कर लेते हैं। अब जो नया कोर्स जो आया है उसमें शायद मेरे ख्याल से ऐसा हो गया है कि 9th और 10th में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि आप चाहे बायो के स्टूडेंट हो, चाहे मैथ के स्टूडेंट हो, या फिर चाहे आर्ट साइड के हो, शायद 9th 10th सब एक जैसा हो गया है। 11th में आके डिफरेंस क्रिएट होता है। तो आप 11th अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप 11th में बायो चूज कर लें, ठीक है, मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो बायो चूज कर लें। अब बायो चूज करने के बाद क्या करना है, जैसे ही आपने इंटर किया पास, तो मेडिकल फील्ड में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें जो सबसे टॉप पे आता है MBBS, ठीक है, MBBS की डिग्री होती है, फिर MBBS के बाद होता है MD, MS, MCH होता है, ठीक है, DM होता है, जिसमें जो है कोई कार्डियोलॉजिस्ट बन रहा है, कोई जो है कहना चाहिए ICU स्पेशलिस्ट बन रहा है, कोई जो फिजिशियन बन रहा है, कोई नाक कान गले का डॉक्टर बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक कंपटीशन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है डॉक्टर बनने के अलावा डॉक्टर के सराउंडिंग्स जो स्टाफ होता है उसके भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जैसे कि मतलब अगर आप जो है OT में जो है काम करना चाहते हैं, ऑपरेशन थिएटर में एज असिस्टेंट,
तो उसका भी कोर्स जो है मेडिकल में, यानी के बायो से पास करने के बाद उसका ओटी टेक्नीशियन का एक कोर्स कहते हैं, ठीक है, वो एक डिप्लोमा होता है, एक वो कर सकते हैं आप। एक आप जो है लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है, जिसमें जो है जो आप छोटी जगह पे, जैसे आप अपने गांव के लेवल पे एक छोटी लैब खोल सकते हैं, जिसमें आप जो है ब्लड की जांचें कर सकते हैं, खून की जांचें कर सकते हैं, एक वो होता है। फिर आपका एक होता है फिजियोथेरेपी होता है, फिजियोथेरेपी बहुत सारे लोग जानते होंगे। फिजियोथेरेपी जो होता है, जैसे मान लीजिए किसी का पैर टूट गया, उसके बाद जो है जब प्लास्टर वगैरह कर देते हैं, तो उसके बाद जब प्लास्टर हटाते हैं, तो उसके बाद जब पैर को मोबिलाइज करते हैं, किसी ज्वाइंट को मोबिलाइज करने के लिए फिजियोथेरेपी होती है, या फिर किसी को पैरालिसिस का अटैक हो गया तो उसके जो है उसके लिए फिजियोथेरेपी होती है, या कोई सांस का मरीज के होता है तो उसकी चेस्ट की फिजियोथेरेपी होती है, सीने की, ठीक है। तो ये सब फिजियोथेरेपी कोर्स हो गया। इसके अलावा जो है नर्सिंग का कोर्स होता है, ठीक है, हॉस्पिटल में नर्सेस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा फार्मेसी का कोर्स होता है, ठीक है, तो बी फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, एम फार्मा हो गया। तो ये सारे, इतने सारे कोर्सेज हैं आज की डेट में मेडिकल फील्ड में, कि आप जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बन के ही वो चीज़ अचीव कर पाए। डॉक्टर के अलावा जो है आप कोई भी बच्चा जो, अच्छा इसके बाद MBBS के अलावा जो मैं भूल गया बताना, जिसमें जो है BDS होता है, दांतों का 4.5 साल का BDS का कोर्स होता है। उसके बाद जो है BAMS होता है आयुर्वेदिक, BUMS होता है यूनानी वाला, या फिर BHMS होम्योपैथी। ये इन सब का जो है जो एंट्रेंस होता है वो एक ही होता है, जिसके जरिए अलग अलग मेरिट लिस्ट पे MBBS टॉप पे मिलता है, उसके बाद BAMS, BHMS, BUMS और BDS इस तरीके से मिलता है। अब आज की डेट में जो है बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं अपने इंडिया में, और बाहर इंडिया के बाहर भी जो है, जैसे बहुत से जो है कंट्रीज हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं। तो इस गांव में कोई डॉक्टर बना अभी तक नहीं, बाहर कहीं जो है प्राइवेट में कहीं कर रहा हूँ। अच्छा, BAMS वगैरह उस तरीके से हैं, ठीक है। वैसे तो जो है देखिए, गांव में जो है जिसको कहते हैं ना कि झोला छाप डॉक्टर, उसकी बहुत जरूरत होती है। अब आप कहेंगे, आप हंसेंगे कि उसकी जरूरत क्यों होती है, जब रात के 12 बजे जो है कोई डॉक्टर जो डिग्री वाला फोन नहीं उठाता है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी काम में जो झोला छाप डॉक्टर ही आता है, समझ रहे हैं आप। तो उसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है, लेकिन उसको अपनी जो है लिमिट याद रखनी चाहिए। बस यहाँ पर कहानी खराब हो जाती है जब वो आउट ऑफ लिमिट हो जाता है। अगर सीरियस मरीज है उसको भी ठीक करने लगा वो, तो दिक्कत। अब जैसे मान लीजिए किसी की सांस फूल रही, किसी को इस तरीके से अगर वो इलाज करे तो ठीक है। तो मैं सब बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सब मेहनत से पढ़ाई करें इंशाल्लाह, और सब कामयाब होंगे। अब जिस तरीके से हाथ की 5 उंगलियां होती है बराबर नहीं होती, इसी तरीके से जो है 5 बच्चों के दिमाग बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए कोई भी अपने आप को कोई कमतर ना समझे। क्या मालूम जो है कौन बच्चा कहाँ निकल जाए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को जो है MBBS MD की डिग्री करते हुए देखा है, जो हाई स्कूल और इंटर में 3rd डिवीजन थे, आप समझ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपको अपने साथ ईमानदारी से मेहनत करने की जरूरत है। आप जितनी किसी भी कंपटीशन की जितनी रिक्वायरमेंट है, आप उतनी पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप जो है और किसी भी जो है कोर्स में जाने के लिए, जो सबसे कैरियर मेकिंग, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो कैरियर को बनाने की जो कहना चाहिए एज होती है, वो एज होती है 15 साल से लेकर 25 साल के बीच की। अगर आप 15 साल से 25 साल के बीच अगर आप सीरियस नहीं हुए, तो आप जिंदगी में कभी भी सीरियस नहीं हो सकते। आप इस पॉइंट को लिख कर रख लीजिए। जो बच्चा 15 साल की एज से लेकर 25 साल की एज तक अगर सीरियस नहीं हुआ, तो वो बच्चा हमेशा हमेशा जो है वो कामयाब नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो माइंड मेकअप होता है करियर का, वो 15 साल से लेकर 25 साल के बीच होता है। अगर आप इस बीच में अगर कभी भी जाग गए, तो समझ लीजिए इंशाल्लाह आपका बेड़ा पार है। तो आप सब लोगों के लिए मैं यही कहूंगा, और इंशाल्लाह सब लोगों के लिए दुआएं हैं मेरी, इस गांव से भी जो है खूब अच्छे से अच्छे डॉक्टर बने इंशाल्लाह जो है। अस्सलाम वालेकुम।